वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आज बहुत लेट उठी हूँ मैं। पता नहीं आज फर्स्ट टाइम ऐसा चांस हुआ है कि हम लोग लेट उठे। और रात को पता है क्या गाइस, पूरा प्लान करके सोचते कि सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह हम लोग नहा धो के फटाफट निकलेंगे और घूम कर आएंगे एक एक घंटा। तो ये पूजा के पापा ने बोला था कि सुबह सुबह निकलेंगे, जल्दी उठा दियो। और मैं उठी भी सही, मैं आपको बताऊँ उठी भी सही। कमरा इतना ठंडा हो रखा था कि दोबारा मैं सो गई। और क्या कहते हैं, जब नींद खुली तो ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका था, पूरे 9 हो चुके थे कि हम कहीं नहीं जा सकते थे। पूजा के पापा ने डांट मारी मेरे को कि तूने उठाया क्यों नहीं। मैंने कहा आप उठ जाते, आपको भी नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ना पूजा के पापा को पता चला ना मुझे पता चला, और हम खूब सोते ही रहे। काकू भी सोता रहा। और क्या कहते हैं, कई बार ना गर्मी में ऐसा होता है कि कमरे ठंडे होते हैं, नींद सुबह नहीं खुलती गाइस। तो चलो कोई बात नहीं, पर आज जो सोचा हुआ था वो हो नहीं पाया कि हमने रोज की प्लानिंग कर रखी थी। हम सुबह ना 2 घंटे कहीं ना कहीं निकला करेंगे, एक नई शुरुआत करते कि सुबह घूम के आते हैं और सुबह सुबह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकला करेंगे घर से। ये फिलहाल हमने सोचा हुआ था, पर चलो पहला दिन ही हमारा वो हो गया कि खराब हो गया। बट कोई बात नहीं, चलो दिन की करते हैं शुरू। तो गाइस रूमा भी है छुट्टी पे, तो देखते हैं, घर का काम भी खुद करना है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो चलो कोई बात नहीं, घर का काम फटाफट करते हैं। पहले बनवाती हूँ, काकू से कहती हूँ या खुद बनाती हूँ एक कप चाय। गाइस ऐसे लग रहा आँखें ना, इतना सोने के बाद ही मुझे समझ नहीं आ रहा, आँखें भरी भरी से ऐसे मोटी मोटी से लग रही है। कोई बात नहीं, पहले चाय पीते हैं, उसके बाद स्पीड से पकड़ते हैं घर का काम को। गाइस क्या हुआ है, ये मैं भी सब्जी लाई हूँ आज। तो ये मैंने लिए हैं ये अरबी, और पूजा के पापा भी देखिए अरबी पीछे से ले आए, ये भी अरबी लाए हैं। तो मैंने तो तोरी भी ली थी, ये मैं लेकर आई थी जिसमें तोरी भी मैंने जलवाई थी, और ये पूजा के पापा लेकर आए हैं क्योंकि इसमें वो नहीं है, तोरी नहीं है, तोरी वाली तो मेरी थी। ये प्याज लेकर आए, प्याज मैंने लाई थी पड़े हुए थे, फिर भी ले आए। और ये खीरे तो गर्मी में बहुत जरूरी है। और गाय जी ये फिर से हमारे घर आ गई है कच्चे आम, तो इनका मैं ना जो भटूरों के साथ मिलता है वो मैं अचार डालती हूँ, इसका अचार डालूंगी। तो मैं आपको नॉर्मली जो रोज खाने वाला होता है कि तुरंत खत्म हो जाए, तो वो बताती हूँ गाइस इसके अचार का। और ये मैंने लिया है धनिया पुदीना, ये मैंने लिया है धनिया पुदीने का, आपको सिर्फ बताती हूँ। और ये शिमला मिर्च भी ली है, और ये नींबू भी घर में बहुत इस समय जरूरी हो रखे हैं। और साथ लिए हैं मैंगो और गाइस ये टमाटर। बस ये सब्जी आ चुकी है घर में, अब इनको सबको समेट के एक साइड गाइस रखती हूँ। बर्तन धोने शुरुआत किए थे, लाइट चली गई पर कोई बात नहीं, रोशनी आ रही थी, मैंने फटाफट धोए बर्तन। इतने में क्या हुआ, लाइट भी जैसे ही चाय बना के, चाय और मैंने बर्तन इकट्ठे शुरू कर दिए थे, तो मैंने कहा काकू डाल के आ, इतने में मैं बेडशीट बिछाती हूँ। तो बर्तन तो हो चुके हैं, बेडशीट बिछाई मैंने, और इतने में काकू चाय भी ले आया, चाय पीती हूँ गाइस। उसके बाद लगाती हूँ पूरे घर की डस्टिंग करके झाड़ू, फिर होगी रोटी सब्जी की तैयारी। एक दिन मैंने देखा अगर हम लेट उठते हैं ना, सारी चीज़ें लेट पे लेट। आज लेट उठने से ना बहुत काम खराब हुआ है, पूजा के पापा अलग नाराज हो गए। तो जो ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट बन नहीं सका, उनको जल्दी होती है दुकान की कि मैं शॉप खोलूं टाइम से जाके, नहीं तो ऐसे बच जाते 11। तो फटाफट वो शॉप के लिए भागे, वो कह रहे कोई बात नहीं, उन्होंने 2 बनानास ले लिए, कहते बाकी काकू को भेजती हूँ। तो मैं पहले कुछ ना कुछ बनाती हूँ, उनको भेजती हूँ। तो उस दिन मैंने लिए दोबारा चाय, मैं कहा चाय पी के ना एक बार दोबारा चुस्ती आती है, फौरन लगाती हूँ पूरे घर का झाड़ू और काम शुरू कर। काटी है गाइस मैंने तोरी, और यहाँ लिया है मैंने प्याज, और ये साबुत 3 लाल मिर्च और जीरा, और यहाँ रखी है कढ़ाई। तो मैं इनको डालती हूँ कढ़ाई में, ये अपने आप सब भून जाएंगे गाइस। और इनको करती हूँ थोड़ा सा कच्चे पक्के ही प्याज रखूंगी, ज्यादा नहीं रखूंगी गाइस। ये नमक, हल्दी, ये लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये लिया है आमचूर पाउडर, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी, और ये सारा डालती हूँ इनके अंदर। तो गाइस मैं बिल्कुल भी इसमें वो नहीं डाल रही टमाटर, तो हमें इसी से बनानी है, और बस इसको मसाले अच्छे से पक जाए तो इसमें डालनी है ये कटी हुई। गाइस देखिए सब्जी बन रही है, और पानी बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि मुंह इसमें तोरी में ऑलरेडी इतना पानी होता है कि आपको पानी डालने की जरूरत है। और टमाटर नहीं डाला मैंने, आमचूर से बनाई है। और यहाँ गाइस काटा है मैंने काकू के लिए खीरा, और ये पूजा के पापा के लिए नींबू, काकू कर दिया ना छोड़ दिया, नींबू भी कर दिए। तो ये इनका हो गया, बस रोटी बनानी रह गई है, तो इनका लंच भेजती हूँ फटाफट मैं। तो गाइस दीदी को मैंने बुलाया था, मैंने कहा आज जेल की छुट्टी है फिलहाल, आज निकलो घर से और आ जाओ। ऐसे क्या हो रहा था, निकलती नहीं थी घर से, बिल्कुल दीदी रहते थे घर में, पता जेल ठीक नहीं है, हाँ तो होता ही है थोड़ा। पर मैं कहा चलो निकल पड़ो, कोई बात नहीं, मैं ही आती हूँ या शॉप में आ जाती हूँ या पूछो, तो आप थोड़ी घर में आ, शॉप बंद है। हाँ तो दीदी
तो घर में दीदी खाना खिला के जिया जी को फिर निकल गई। फिर मैं मेरे पास आई है तो मैंने कहा चलो आपको बताते हैं। तो दीदी का हाथ बड़ी मुश्किल निकलना होगा है। वैसे घर पास है, हाँ बताइए घर पास है ना, दो तीन दिन में भी आ सकते हो। आप सोचो कि दूर वाले आ जाते हैं, पास वाले नहीं आते हैं, पास वाले ना ना मुश्किल होता है। मैं तो फिर भी दीदी क्या होता है हमारे यहाँ, अगर मैं इनकी शॉप तक गई तो मुझे पता है कि दीदी 7 बजे गई या 7:30 शॉप पे होती है, मैं मिल लेती दीदी। फोन पे भी बात होती है मेरी, दिन में 2-3 बार फोन पे पूछ लेती हूँ कि आप शॉप पे हो घर हो, जैसे भी होता है हम लोग मिल लेते हैं। बाकी घर थोड़ा मेरे को भी जाने में आलस आ जाती है कि पहले अंदर तक जाओ फिर शॉप पे मिल लेते हैं, दीदी मिल लेती है, मेरे को यही होता है। तो मैं दीदी को बुला कर कहा आ जाओ आप बातें करते हैं। हाँ बातें करते जो अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाता है। मम्मी घर भी जाना था तो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, मम्मी घर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो शनिवार को चलते हैं, शनिवार को दीदी कह रही चलेंगे। तो शुक्रवार का हमारा फाइनल है मम्मी के घर, तो वहाँ का फाइनल ना आ गई तो मिलने आऊंगा। हाँ मम्मी को लेने आएगी तो कह रही थी मैं ऊपर, जब मम्मी को लेने आऊंगी तब ऊपर आऊंगी। तो मैं कहा ठीक है, पहले मैंने कहा था जब नीचे छोड़ने आई थी आ जाओ ऊपर, तो कह रही मासी लेते समय आऊंगी। तो मैं कहा ठीक है उस टाइम मम्मी को छोड़ने में आंखें बंद कर सोई थी, धूप थी, धूप बहुत धूप। हाँ अपने दिल करता नहीं नहीं गर्मी में दिल 41-42 डिग्री रोज दिखा रहे आज का सबसे सीजन रोज हाईएस्ट डे। अच्छा सर्दी आ जाएगी तो आज का सबसे हाईएस्ट सर्दी हाईएस्ट सर्दी हाईएस्ट गर्मी हमेशा एक ही रहता है वरना ठंड ना गर्मी। हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा है, गर्मी भी है ठंड भी ज्यादा है। और मेरे यहाँ जाते हैं सर्दियों में मजा आता है, गर्मी में तो हाल ही नहीं है, गोवा तो बेकार है, गर्मी में तो बेकार है। गोवा ही चल बीच में लेके जाओ और आगे जाके खड़ा कर। वाटर स्पोर्ट्स करवाऊंगी आपको, चलो बना। तो गाइस दीदी आई थी दोपहर को, अच्छा टाइम पास हो गया, मजा भी खूब आया। तो प्लान भी बनाए हैं, देख जैसे आपको आगे आगे ब्लॉग्स में पता चलेगा काफी प्लान बन रहे हैं जाने के, कहीं घूमने के सोच रहे हैं, कहीं निकले क्योंकि काफी टाइम हो गया मैं भी कहीं नहीं निकली। तो मेरा दिल है थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सेशन या कहीं थोड़ा सा भी बाहर निकलूं, थोड़ा घूम कर आऊं। तो देखते हैं, बाकी अभी चीना से कल बनाया है प्लान, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो लास्ट शिरडी गई थी जैसे आपको पता है पूजा की शादी से पहले, उसके बाद मेरा कहीं का प्लान नहीं बना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं का प्लान बनाते हैं। तो दीदी के साथ मैंने काफी चीजें करी हैं, बातें करी हैं कि चीना भी है, चीना मैं और दीदी बस, और भी एक दो चीजें और सोची हैं कि नया करने का कुछ, देखते हैं जैसे जैसे टाइम आता है आपको ब्लॉग द्वारा ही पता चलेगा। काफी कुछ सोच रही थी मैं भी कि टाइम पास भी गाइस सारा दिन नहीं होता, बंदा सोचता कोई एक्टिविटी होगी कुछ हो गई, थोड़ा घर से बाहर निकलना, पूजा के पापा के साथ भी सोचा है पर ऐसा हो पाता है रोज सोचते हैं कि हम ना सुबह थोड़ा सा निकलेंगे थोड़ा सा घूमने जाएंगे, होता क्या है थोड़ा सा लेट हो जाते हैं घर के कामों में। बस मैंने ये देखा है बंदा फंसा रहता है निकल नहीं पाता, अगर फिर मैं कहती निकलना चाहो तो निकल जाता है बंदा। हालांकि हमें हमारे बच्चे बड़े हैं, पूजा की शादी हो चुकी है, जिनके छोटे होते हैं वो भी निकल जाते हैं घंटा एक, लेकिन हमारे लिए वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि पूजा के पापा रात को कई बार लेट सोते हैं, कई बार सुबह नींद खुली ना खुली उस वजह से लेट हो जाते हैं। बाकी कह रहे थे मुझे कि चलते हैं मंगलवार भी हमने सोचा था फतेहनगर गुरुद्वारे जाएंगे गाइज, आपको भी दर्शन कराएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही अब हमने सोचा हुआ नेक्स्ट टाइम हम फतेहनगर गुरुद्वारे जाएंगे, टाइम से उठेंगे, सुबह नहाए धोएंगे, फटाफट गाइज निकल जाएंगे अपना और आपको पूरे दर्शन कराऊंगे। फतेहनगर गुरुद्वारे की तो मान्यता इतनी है कि कहते हैं कि अगर आप 5 मंगलवार कोई भी मांग लो आप चीज, मैं कहती जो आपके श्रद्धा से आप अपना मांगो आपको पूरा मिलता है, ये लोग बोलते हैं और होती भी है, सबकी होती भी है पूरी। तो सारे लोग ये सोच के जिनको कुछ भी है तो वो जाते हैं, उनकी श्रद्धा है वहां के गुरुद्वारे के लिए, तो वो लोगों की पूरी भी होती है। तो हम भी सोचे थे हम चलेंगे एक बारी, तो देखते हैं 5 बार का बनाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, आगे देखो जो उसपे मंजूर हो। तो गाइस आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।